स्वच्छता हेउची आध्यात्मिकता एही भावधारार प्रचार एवं प्रसार आम समय रे विशेष आवश्यकता रही जोग एवं स्वच्छता माध्यम रे भारतर प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिर आध्यात्मिककरण करिपरिछंती वस्तु जगत सहित भाव जगतर एही अनन्य संपर्क वर्तमान समय रे विशेष उपलब्धि बोली राज्यपाल प्रोफेसर गणेशलाल प्रकाश करिछंती पिपिलि सांस्कृतिक परिषद पक्षरु जयसपाटना स्थित शांति मैदान ठारे आयोजित स्वच्छ भारत अभियान रो 500 घंटा पूर्ति उत्सव को मंगलवार उद्घाटन करी राज्यपाल प्रोफेसर गणेशलाल कहिछंति जे स्वच्छता हेउची संपन्नतार आधार समग्र जगत पंचभूतरे गढ़ा होउची एही पंचभूतर प्रदूषण बढ़ी बढ़ी चलीछि पृथ्वीकु बचाइबाकु हेले एही प्रदूषणकु ह्रास करिबाकु पड़िबो स्वच्छताकु प्रत्येक निज निज जीवनशैलीरे आपणाइबाकु राज्यपाल समस्तंकु परामर्श दैछंति और एक वर्ष का अंत भी है 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छता अभियान का एक वर्ष पूरा हुआ है लेकिन स्टार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि बिगिनिंग एंड होता है और एंड बिगिनिंग होता है और ये वैसे एक किस्म से एक लगन लगाने का विषय है मैं कहता जरूर हूँ कि एक वर्ष के लिए है पर वास्तव में ये तो जब तक मैं हूँ इस पृथ्वी पर तब तक के लिए है मुझे अपने आप को साफ करना स्वच्छ रखना केवल शरीर को नहीं अंदर से भी स्वच्छ रखना मेरी एक्टिविटीज़ हैं मन है वचन है कर्म है उसको भी स्वच्छ रखना ये स्वच्छता जो है ये इसको भी आस्ता आस्ता मुझे इंजेक्ट करती है तो स्वाभाविक रूप से केवल ये स्वच्छता सड़क को साफ करना या बोकर लेकर चलना या ऐसा कुछ करना ऐसा कुछ नहीं है कंकर उठाना लेकिन वास्तव में जब आप कंकर उठाते हैं तो आप शरीर से नहीं उठाते हैं आपके इनर बीइंग से उठाते हैं अगर मेरा इनर बीइंग मुझे ना कहे तो मैं कंकर को नहीं उठाऊंगा मेरी कॉन्शियसनेस मुझे कहती है मेरा अस्तित्व मुझे कहता है तो बेसिकली ये स्वच्छता अभियान जो है ये मनुष्य की इनर साइंस है अंतर्विज्ञान है अंतःकरण की प्रेरणा है अंतःकरण का भाव है अगली पीढ़ी क्या है इस समय की पीढ़ी ही अगली पीढ़ी है